वट डिड मालू लर्न टू डू फ्राम हर पेरेंट्स तो मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा मालू लर्न फिशिंग मालू ने मालू लर्नट फिशिंग मालू ने फिशिंग सीखी एंड स्विमिंग फ्राम हर पेरेंट्स वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रैवल मालू कहाँ ट्रेवल करना चाहती थी कहाँ जाना चाहती थी मालू वॉन्टिड टू ट्रैवल बियड द वास ब्ल्यू स्काई वास्ट ब्ल्यू स्काई से परे देखना चाहती थी कि कहाँ क्या है वहाँ पर वट वॉज इट दैट मालूस पेरेंट्स वॉन्टिड हर टू लर्न कि मालू के पेरेंट्स उसे क्या सीखाना चाहते थे मालूस पेरेंट्स वॉन्टिड हर टू लर्न मालू के पेरेंट्स चाहते थे कि वो सीखे द आर्ट ऑफ स्विमिंग कि स्विमिंग करना सीख ले बिफोर शी ट्रेवल्स टू दा टू बियॉन्ड द वास्ट ब्ल्यू स्काई कि वास्ट ब्ल्यू स्काई से वो दूर घूमने जाना चाहती थी तो वो घूमने से पहले अपना स्विमिंग सीख ले वॉज मालू स्केयर टू स्विम तो यस मालू वॉज केयर टू स्विम क्योंकि वो डरती थी सीखने तैरने से क्योंकि उसे लगता था किबाउट द स्विमिंग तो हाउ विल शी डू तो उसको लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी डिड शी लर्ट इट करली शी लर्न द स्विमिंग ईजीली तो उसने जो है स्विमिंग ईजीसी इजीली सीख ली थी रीड द लास्ट टू स्टेंस ऑफ द पोएम हु डज शी स्टैंड्स फॉर इन बोथ कि शी जो है किसके साथ स्टैंड कर रहा है नाउ दीज आर द लास्ट टू पैरस यहाँ पर जो है शी किसके लिए यूज़ हो रखा है ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर डाउट एंड फीयर शी लेफ्ट बिहाइंड डाउट और फीयर उसने पीछे छोड़ दिए थे तो यहाँ पर शी किसके लिए यूज़ हो रखा है इन द शी स्टैंड्स फॉर मालू भालू कि मालू भालू ने अपने डर और डाउट्स जो है वो पीछे छोड़ दिए थे नाउ लास्ट टेंजा में जो वॉज है शी है आपका वो किसके लिए यूज हो रखा है बट स्विमिंग हर मदर न्यू दिस एंड ऑल फियरलेस वॉज दैट शी न्यू कि ये यहाँ पे शी फियरलेस वॉज मालू कि मालू फियरलेस थी दैट शी न्यू वो जानती थी वो मतलब उसकी मदर तो यहाँ पे शी जो है किसके लिए uh, हो रहा है यूज उसकी मदर के लिए तो हेयर शी स्टैंड फॉर हर मदर की यहाँ पे शी स्टैंड फॉर हर मदर तो फर्स्ट स्टैंडा में जो है शी मालू के लिए स्टैंड कर रहा है एंड इन द सेकेंड स्टैंड शी स्टैंड फॉर हर मदर ना यू हैव टू कम्प्लीट दिस स्टार्ट ये मालू भालू की कुछ पिक्स दी हुई हैं यहाँ पे एंड आपने बताना है कि वेदर दिज आर ट्रू और फॉल्स मालूस हेयर वॉज वाइट सो दिस इज ट्रू मालू न्यू हाउ टू स्विम फॉल्स क्योंकि उसे नहीं पता था बाद में उसने अपनी मदर से सीखा मालू वॉज प्लेइंग विद द पैंगस की मालू पैंगस के साथ खेल रही थी फॉल्स मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश ट्रू क्योंकि उसने हाउ टू कैच फिश ये अपनी मदर से सीखा हुआ था मालू वॉज अ ब्रेव भालू मालू जो है ब्रेव भालू थी ट्रू मालू डिड नॉट लव हर मदर फॉल्स क्योंकि वो अपनी मदर से प्यार करती थी मालू मदर मालूस मदर वॉज फॉर्म मालू की जो मदर थी फॉर्म थी फॉर्म का मतलब है कि वो जो सिखाना चाहती थी वो उसे सिखा पाई यस yes. कि मालूस मदर जो है वो फॉर्म थी तो यहाँ पे ये ट्रू आएगा आपका फॉल्स नहीं में कैरेक्टर स्केच तो आपने ये वर्ड्स यूज करके उसके बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं ब्रेव स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग ईगर टू लर्न मोर स्मार्ट केयरिंग इम्पेशन फीमेल अफेक्शनेट बोल्ड प्लेफुल वाइट एडवेंचरस क्लेवर यंग फियरलेस तो मालू भालू वॉज ब्रेफ तो हमने फर्स्ट ये वर्ड यूज़ किया शी वॉज स्ट्रोंग एंड हार्ड वर्किंग की वो स्ट्रॉन्ग भी थी और हार्ड वर्किंग भी थी शी वॉज वेरी स्मार्ट स्मार्ट भी थी वो शी वॉज ईगर टू लर्न मोड कि वो मतलब ईगर थी यानी सीखना चाहती थी नई नई चीज़ें शी वॉज अफेक्शनेट अफेक्शनेट भी थी वह शी वॉज बोल्ड फियरलेस एंड एडवेंचरस एडवेंचरस भी थी तभी तो वो जानना चाहती थी कि स्काई के पीछे उसे क्या दिखता है क्या है वहाँ पर शी वॉन्ट्स टू सी नाउ यू हैव टू राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टरस्टिक कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू करेक्टर स्केच मतलब कि आपने मालू भालू के बारे में बताना है कि वो कैसी थी सो मालू भालू वॉज अ फीमेल पोलर बियर फीमेल पोलर बियर थी यानी गर्ल चाइल्ड थी वो she was young and playful wo young and playful thi she was covered with white hair uske jo the white hair se she was clever and soon learned how to fish वो clever भी थी और उसने जल्दी ही सीख लिया how to fish and she was eager to learn the art of swimming और वो art of swimming भी जल्दी ही सीख जाना चाहती थी she was so smart that she learned this art quickly और वो इतनी smart थी कि उसने ये भी जल्दी से सीख लिया कि swimming कैसे करनी है she was bold and fearless वो bold भी थी and fearless भी थी तभी तो वो घूमने जाना चाहती थी beyond the vast blue sky she was adventurous too वो adventurous भी थी now you have to read the following passage carefully one day meena plucks a mango and brings it home कि मीना जो है प्लक मतलब तोड़ती है एक मैंगो और उसे घर ले आती है हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू तो उसकी जो ग्रैंड मदर मतलब थी वो मैंगो का लार्जर पीस जो है राजू को देती है बिकॉज ही इज अ बॉय क्योंकि वो एक बॉय है मीना प्रोटेस्ट मीना जो है प्रोटेस्ट करती है प्रोटेस्ट मतलब वो विरोध करती है वो ग्रैंड मदर मतलब को बोलती है कि वो राजू को जो है बड़ा पीस क्यों दे रही है आफ्टर ऑल शी ब्रॉड द मैंगो और जबकि आफ्टर ऑल वो मैंगो लेके आई है तो उसे ज़्यादा बड़ा पीस मिलना चाहिए एंड शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू और दूसरा वो एल्डर भी है दोनों में से बड़ी भी है यानी उसका जो ब्रदर है राजू वो छोटा है और वो बड़ी है तो दो हर तरफ से सोचे तो उसको बड़ा मिलना चाहिए कि वो बड़ी भी है और सेकेंडली वो मैंगो लेके आई है शी इंसिस्ट शी हैज़ अ ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर तो वो इंसिस्ट करती है कि उसका राइट ज़्यादा है उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए हर फादर कम्स टू हर हेल्प एंड डिवाइड्स द मैंगो इक्वली तो उसके फादर आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं और मैंगो को इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो सो वी कैन सी दैट ग्रैंड मदर जो है वो पार्शलिटी करती है ब्रदर को जो है राजू को बड़ा पीस देती है और मीना को छोटा बट उसके फादर जो हैं वो इक्वली डिवाइड करते हैं नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन हु ब्रॉड द मैंगो होम तो हु की जगह क्या आ जाएगा मीना ब्रॉड द मैंगो होम मीना लेके घर आई थी वाई डिड मीनाज ग्रैंड मदर गेव अ लार्जर पीस टू राजू तो राजू को लार्जर पीस क्यों दिया तो मीनाज ग्रैंड मदर गिव का गेव बन जाएगा क्योंकि यहाँ डिड है तो मीनाज ग्रैंड मदर गेव अ लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही वॉज अ बॉय क्योंकि वो एक लड़का था बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं बॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हु डू यू थिंक शुड हैव गॉड द लार्जर पीस कि आपको क्या लगता है कि लार्जर पीस किल्स को मिलना चाहिए आई थिंक मीना शुड हैव गॉड द लार्जर पीस कि मीना को जो है लार्जर पीस मिलना चाहिए बिकॉज वो मैंगो घर लेके आई थी उसने मेहनत की थी मैंगो को घर लाने भी, और सेकेंडली वो बड़ी भी थी नाव मालू लिव्ड विद इज मालूस पेरेंट्स इन द नॉर्थ बुक तो ये आपको कुछ पहरा दिया हुआ है नाव वट यू हैव टू डू यू कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स बाई यूजिंग सर्टन अदर वर्ड्स इन देअ प्लीज स्टडी द टेबल बिलो तो आपने ये कुछ प्रोनाउंस आपको दिए गए हैं यू हैव टू यूज़ दिस कि आपको जगह जगह जो है नाम मालू मालू लिखा हुआ है तो वो हमने नहीं यूज़ करना है तो उसकी जगह हम कौन से प्रोनाउंस यूज़ करेंगे वी हैव ऑलरेडी लर्नड द प्रोनाउंस इन द चैप्टर इन द ग्रामर बुक तो हम ये यूज़ करेंगे मालू फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो मालू ही करेंगे मालू लिव ड विद द पेरेंट्स तो मालूस पेरेंट्स नहीं लिखेंगे हम बार बार मालू वर्ड नहीं यूज करेंगे तो हर हर पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल नाउ मालू हैड ग्रेट फन तो मालू की जगह हम क्या लिखेंगे बिकॉज शी वॉज अ गर्ल चाइल्ड तो गर्ल यू शी लिखेंगे शी हैड ग्रेट फन विद मालूस की जगह हर सी 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 गर्ल फ्रेंड्स वन डे हर फादर मालूस की जगह हर फादर टोल्ड हर दैट शी दैट द हंटर्स हैड कम टू ट्रैप हंटर्स जो है उसे पकड़ने आए हैं एंड मालूस फैमिली मालूस की जगह क्या लिखेंगे एंड हर फैमिली उसको और उसकी फैमिली को पकड़ने आए हैं कुछ हंटर्स मालू न्यू मालू की जगह क्या लिखेंगे शी शी न्यू न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल कि वो जानती थी कैसे अच्छे से छिपना है मालू की जगह अगेन हम शी यूज करेंगे शी शर्ट मालूस आइस ने मालूस की आइज बंद कर दी एंड कर्ल्ड अप लाइक अ बॉल ऑफ स्नो और एक स्नो बॉल बौ, बॉल की तरह जो है वो लगने लगे द हंटर सर्च फॉर मालू कि हंटर ने मालू को सर्च किया एंड हर फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन बट वो बिल्कुल बेकार गया क्योंकि वो सब जो है बर्फ़ में ऐसे छुप गए थे जैसे बर्फ ही दिख रही थी उन्हें नहीं भालू नहीं दिख रहा था कोई भी थैंक यू